ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं सोलह शिक्षा देने के साथ साक्षी और क्षमा भाव साकार में बाप दादा बच्चों को शिक्षा भी देते लेकिन शिक्षा देते हुए भी सदा उपराम और साक्षी दृष्टा रहते ड्रामा की ढाल व ड्रामा के पट्टे पर हर क्रम और संकल्प तभी चलेंगे जब साक्षी व दृष्टापन की अवस्था होगी यही साकार के संपूर्ण स्थिति के लक्षण थे तो इन संस्कारों में समानता लानी इन गुणों से ही सर्व के दिलों पर विजय होंगे जो संगम पर सर्व के दिलों पर विजय बनता है वही भविष्य में विश्व महाराजन बनता है कैसे भी अवगुणधारी आत्मा हो पुरुषार्थहीन आत्मा हो उन आत्माओं को बुराई व कमजोरी को कल्याणकारी होने में होने के नाते पहले क्षमा करो जैसे बाप दादा का बाप शिक्षा देते भी बच्चों की बुराई व कमजोरी को दिल में न समाए क्षमा करते हैं पूज्य देवता भक्तों पर क्षमा करते हैं तो आप भी मास्टर रचता व विश्व कल्याणकारी हो पूज्य आत्मा हो इसलिए किसी की भी बुराई व कमजोरी दिल पर न रख क्षमा करो फिर भी उस आत्मा के कल्याण के प्रति उसके वास्तविक स्वरूप और गुण को सामने रखते हुए महिमा करो अर्थात उसे अपनी महानता की स्मृति दिलाओ जिससे समर्थी आ जाए ब्राह्मण परिवार में कोई भी आत्मा कमज़ोर है तो उसे बार बार कहना नहीं कि तुम कमज़ोर हो कोई चाहे कितनी भी कमज़ोर हो उसको इशारा व शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो पहले उनकी विशेषता की महिमा करो फिर उसको आगे के लिए और भी श्रेष्ठ आत्मा बनने का साधन कमजोरी पर अटेंशन इस रीति से दिलाओ पहले धरनी पर हिम्मत और उल्लास का हल चलाओ फिर बीज डालो तो सहज ही बीज का फल निकलेगा नहीं तो हिम्मतहीन कमजोर संस्कार वश आत्मा मेहनत और समय ज़्यादा लेगी साक्षी बनकर ड्रामा के हर दृश्य को व हर आत्मा को पार्ट को देखो तब किसी को भी क्षमा कर सकेंगे यह साक्षीपन की स्थिति ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोग होती है इस साक्षीपन की सीट पर स्थित रहकर किसी भी आत्मा को विशेष सहयोग व शिक्षा दे सकते हो देना भी चाहिए क्योंकि इससे बहुत मदद मिलती है जैसे कोई गरीब गरीब को अचानक बिगर मेहनत प्राप्ति हो जाती है ऐसे जिस भी आत्मा के प्रति एक्स्ट्रा सहयोग दिया जाता है वह आत्मा महसूस करती है कि हमको विशेष मदद मिली है साकार रूप में भी कई आत्माओं को एक्स्ट्रा सहयोग देने का सबूत दिखाया तो ऐसे फालो फादर करो कोई आत्मा आपकी स्थिति को हिलाने की भी कोशिश करे लेकिन अकल्याण करने वाले के ऊपर भी कल्याण की भावना अकल्याण की दृष्टि वृत्ति रखना ही उसे क्षमा करना है कल्याण करने वाले के ऊपर कल्याण करना अच्छे के साथ अच्छा चलना यह तो सभी जानते हैं लेकिन अकल्याण की वृत्ति वाले को भी अपना अकल्याण अपना कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन कर देना व क्षमा कर देना यही है विशेष आत्माओं की विशेषता मास्टर क्षमा के सागर बन उस आत्मा को क्षमा कर दो तो यह क्षमा ही उनके लिए शिक्षा हो जाएगी क्योंकि आजकल शिक्षा देने से कोई समझता है कोई समझता कोई नहीं भी समझता है शिक्षा देने का समय अभी चला गया अभी स्नेह दो सम्मान दो क्षमा करो यही शिक्षा देने की विधि है यदि आप समझते हो कि यह अच्छा काम नहीं कर रहा है रॉन्ग कर रहा है तो यथार्थ कर्म न करने वाले को यथार्थ कर्म सिखाने का व शिक्षा देने की विधि है कभी भी उसे सीधा नहीं कहो कि तुम रॉन्ग हो यह कहने से ही वह कभी नहीं बदलेगा जैसे आग बुझाने के लिए आग जलाई नहीं जाती उस पर ठंडा पानी डाला जाता है ऐसे कभी भी किसी को पहले से रॉन्ग कहकर शिक्षा देना शुरू कर देंगे तो वह दिल शिकस्त हो जाएगा पहले उसे अच्छा अच्छा कहकर थमाओ पहले पानी डालो फिर उसे सुनाओ कि आग क्यों जली पहले यह नहीं कहो कि तुम ऐसे हो तुमने यह किया पहले उसे हिम्मत दिलाओ अर्थात क्षमा करो फिर शिक्षा दो जैसे बाप दादा कभी किसी को डायरेक्ट शिक्षा नहीं देते थे मुरली में सुना देते राइट क्या है रॉन्ग क्या है अगर कोई सीधा आकर पूछेगा कि मैं रॉन्ग हूँ तो कहेंगे नहीं तुम तो बहुत राइट है क्योंकि उसमें उस समय हिम्मत नहीं होती है जैसे पेशेंट आखिरी श्वास पर भी होता है तो भी डॉक्टर उसे डायरेक्ट कभी भी नहीं कहेगा कि तुम नहीं बच सकोगे किसी भी किसी की दिल कमज़ोर हो और आप उसे ऐसी बात कह दो कि वह हार्ट फेल हो जाएगा इसलिए शिक्षा देने के पहले उसकी धरनी को देखो क्षमा करो फिर शिक्षा दो रॉन्ग को रोंग बात समझ जानी लेकिन थोड़ा धीरे से इशारा दो लेकिन टाइम देखकर। मालिक बनकर शिक्षा देने के साथ साथ बालकपन की विशेषता कभी नहीं भूलो शिक्षा देने के पहले स्वयं में रहम भाव धारण करो तो आपके दिल के रहम का भाव उसे लगेगा आप दाता के बच्चे हो तो पहले उसे हिम्मत दो उमंग दिलाओ खुशी दिलाओ फिर उसे कुछ कुछ भी बात मनाना चाहो कोई भी शिक्षा देना चाहो तो वह बात मान सकते हो वास्तव में पालना की यही विधि है यदि क्षमा भाव धारण नहीं करते हैं तो प्रजा आपकी विश्व महार्जन कैसे माने, मानेगी कोई भी आत्मा आपके संपर्क संपर्क में आती है तो लक्ष्य रखो कि उससे मुझे दुआएँ प्राप्त करनी है दुआएँ लेने का साधन है हाजी करना इसलिए किसी को भी किसी बात में ना ना करके हिम्मत ही नहीं बनाओ अगर कोई रॉन्ग भी है तो उसे सीधा रॉन्ग कहकर शिक्षा नहीं दो पहले उसे दिलासा दो हिम्मत दिलाओ पहले उसको हाँ करके पीछे समझाओ तो वह समझ जाएगा पहले रिगार्ड दो रॉन्ग भी तो रॉन्ग भी हो तो भी उसे पहले अच्छा कहो जिससे उसमें हिम्मत आए जैसे कोई गिरा हुआ होता है तो उसे सहारा देकर पहले खड़ा करेंगे फिर गिरने का कारण बताएंगे इसे ही कहते हैं क्षमा भाव अथवा उदार भाव इससे ही उस आत्मा से संतुष्टता की दुआएं मिलेगी यदि कोई आपके सहयोगी भाई व बहन परिवार की आत्माएं बेसमझी व बाल हट से अल्पकाल की वस्तु को सदाकाल की प्राप्ति समझ अल्पकाल का मान शान व अल्पकाल की इच्छा रखती है तो उन्हें मान देकर स्वयं निर्माण बनो उस समय उन्हें शिक्षा देने से टकराव पैदा होगा जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज़ को भी खिलौना समझता है तो उसे कुछ देकर छुड़ाना होता है हट से नुकसान हो जाता है ऐसे उन्हें शिक्षा देकर जबरदस्ती उन बातों से हटाना अर्थात कसम कसा में लाकर उनके पुरुषार्थ की जिंदगी खत्म करना है इसलिए ऐसे समय पर युक्त, युक्त चलने से परोपकारी बन क्षमा भाव से सम्मान देकर उन्हें समझदार बनाओ जिससे वह स्वयं महसूस करे कि यह बात नुकसान कारक है किसी भी आत्मा को शिक्षा देने के पहले शुभ चिंतन के खजाने से संपन्न बनो सदा वृत्ति और दृष्टि में शुभ हो गिरी हुई आत्माओं को ऊंचा उठाने की दृष्टि हो किसी के प्रति घृणा नहीं हो किसी की कमजोरी को जानते हुए भी उस आत्मा को कमजोरी भुलाकर उस विशेषता की स्मृति दिलाओ जिससे वह समर्थ बन जाए बाप दादा द्वारा ली हुई शक्तियों के सहारे की टांग दो लंगड़े को भी चलाने के निमित्त बनो दिल शिकस्त आत्मा को दिल खुश मिठाई द्वारा शक्तिशाली बना दो यही है शिक्षा देने का यथार्थ स्वरूप बाप दादा किसी भी बच्चे को शिक्षा देते हैं तो पहले सुमान देकर फिर शिक्षा देते हैं आजकल जो भी आते हैं वो मन चाहते हैं वो मान चाहते हैं क्योंकि ठुकराए हुए को सोमान व रेगाड़ चाहिए इसलिए सबको पहले रिगाड़ दो फिर शिक्षा दो जैसे ऑपरेशन करते हैं तो पहले इंजेक्शन आदि से सुंद शुद बुद्ध भुलाते हैं तो पहले उसे रिगाड़ देकर उसे नशे में उसको ठहराओ फिर कितने भी ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन सक्सेस होगा यह भी एक तरीका है जब यह संस्कार भर जाएगा तब तो विश्व से आपको रिगाड मिलेगा सारे दिन में जिन आत्माओं के संपर्क में आते हो सबके प्रति दया दृष्टि व कृपा दृष्टि रखो कोई कैसे भी संस्कार वाला हो लेकिन आपकी दया व कृपा की दृष्टि पत्थर को भी पानी कर सकती है अपोजिशन वाले पोजिशन में टिक सकते हैं कितना भी विरोधी हो इस विधि से गले मिलने वाला हो जाएगा लेकिन समाजशील बनो सिर्फ शिक्षा देने वाले नहीं जो कमजोर आत्मा है ने किसी न किसी बात में वशुभूत है उसके प्रति दया भाव की आवश्यकता है शिक्षा भले दो लेकिन दया दृष्टि रहम और शुभ कल्याण की भावना से समाशील युक्त युक्त शब्दों द्वारा शिक्षा दो और फिर साक्षी हो जाओ वर्तमान समय पुरुषार्थियों में दो कमियाँ दिखाई देती है है अभिमान दूसरा है अनजानपन अभिमान के कारण किसी भी शिक्षा व इशारों को अपनी उन्नति का साधन समझकर कर समा नहीं सकते सूक्ष्म वृत्ति व दृष्टि में हलचल मस्ती है सोचते हैं इसने ऐसे क्या क्यों कहा आ, यह भी मेरा अपमान है दूसरी ओर अपने को बचाने के लिए अनजान बन जाती इसलिए उन्हें शिक्षा देनी है तो डायरेक्ट शिक्षा देने के बजाय अपने शिक्षा स्वरूप में शिक्षा दो पहले भाव धारण करो जिसे साकार रूप में कदम कदम पर हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल करके दिखाया जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हो तो ऐसे फालो फादर करो जैसे बाप दादा बच्चों को समान बनाने के लिए शिक्षाएं देते हैं ऐसे शिक्षा ही स्नेह है तो बाप समान स्नेह संपन्न बनकर फिर किसी को शिक्षा दो वाणी से शिक्षा देने से हिम्मत आती है लेकिन अलग काल के लिए इसलिए वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति अर्थात अपनी शुभ भावना से आत्माओं में बल भरो किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है लेकिन अभी सब अनुभव चाहते हैं इसलिए अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा करके कई कार्य सफल करते हैं ऐसे संकल्प शक्ति इकट्ठी की हुई होगी तो बल भर सकेंगे अच्छा ओम शांति शांति शांति